जहाँ तक बिहार की बात सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आता हूँ जफर साहब मैं आऊंगा, बिहार पर भी आऊंगा, नीतीश कुमार की भी बात होगी। लेकिन देखिए, जो हमारा अगला सवाल है देश के मूड के बारे में, जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, हमने जनता के नब्ज को टटोलने का प्रयास किया, तो उसी संदर्भ में, उसी कड़ी में हमारा अगला सवाल यह था कि यूपी में मदरसों का सर्वे सही या गलत। सही कहने वाले 69% लोग हैं, जबकि गलत कहने वाले 31% लोग हैं। यानी आप देखिए, 69% लोग ऐसे हैं जिन्हें यह लगता है कि नहीं, ये जो सर्वे हुआ, मदरसों का जो सर्वे है, जो हो रहा है, वो सही है, उस दिशा में यह बात नजर आती है। ऐसे में सवाल अखिलेश जी आपके पास में आ रहा हूं इस सवाल के साथ, 69% लोगों को सर्वे में कोई आपत्ति नहीं है, मदरसे में अगर सर्वे हो तो। बात होती है कि नियत क्या है। पार्लियामेंट में जवाब है 20% ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं सरकारी, वो आप रोज वीडियो देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, आप ही लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि स्कूल जाने में बच्चियों को, लोगों को पानी में घुस के कैसे डूब के जाना पड़ रहा है, कैसे कैसे पार करके जाना पड़ रहा है सरकारी स्कूलों में, क्या कहाँ सुविधाएं नहीं है, लैट्रिन बाथरूम नहीं है, जो आपके अपने सरकारी हैं, भरा उसका भी सर्वे करा लो ना। अखिलेश जी आप बार बार अपना सवाल ले, सुविधा तो सर्वे में जो सवाल पूछा गया उस पर प्रतिक्रिया तो दीजिए, ये मदरसे वाला सर्वे था, इस पे जवाब दे दीजिए। हमने आपसे, आप ध्यान से जवाब सुना करें प्लीज, मैंने कहा कराएं, नहीं सुना आपने, कोई आपत्ति नहीं, नियत क्या ये महत्वपूर्ण होती है, आपने सुना नहीं, आप पहले से माइंडसेट बना के बैठे हो कि हां आपको क्या लगता है इसके पीछे की नियत क्या है। मैंने पहला वर्ड यही किया, जफर इस्लाम जवाब देंगे उसका, मैंने पहला का दो बार रिपीट कर दिया, तिवारा रिपीट करके आप लोगों के पास समय कम है, बर्बाद में दो तरीके। चलिए ठीक है, एक नियति से कुछ भी करो, आप नियति पे सवाल खड़े कर रहे हैं, जिन मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि मदरसे का जो सर्वे किया जा रहा है उसके पीछे कुछ खास मंशा है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, राजीव रंजन जी से बातचीत नहीं हो पाई, माफ कीजिएगा अखिलेश जी, मैं उनके पास जाना जरूरी है। ठीक है, जफर साहब मैं आपके पास भी आऊंगा, चूंकि आप बिहार के बारे में कुछ कमेंट भी करना चाह रहे थे, मैं राजीव जी के पास जाना चाह रहा हूँ, थोड़ा राजीव जी से बहुत देर से बात नहीं हो पाई। राजीव रंजन जेडीयू के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, अब से थोड़ी देर पहले दरअसल प्रशांत किशोर, जो कि किसी जमाने में आपके साथ भी रहे, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी। उनका यह कहना है कि दिल्ली में अगर चार नेताओं से कोई मिल ले तो इससे कुछ नहीं हो जाता है, यानी नीतीश कुमार की अगर दावेदारी सामने आ रही है पीएम पद के लिए, तो विपक्ष के चार नेताओं से मिल लेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। 17 सालों में बिहार में उन्होंने कुछ किया नहीं, कोई बदलाव नहीं किया, और किया तो बताएं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सर्वे के सवालों में बहुत कुछ जनता दल यूनाइटेड के पास कहने के लिए है, अगर ये सर्वे के सवाल हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर जी तो एक रणनीतिकार हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, कभी टीएमसी के साथ होते हैं, कभी उनके परफॉर्मेंस को लेकर चुप रह जाते हैं, कभी वो वाईआरएस के साथ होते हैं, तो ये राजनैतिक तौर पर व्यवसाय जब कोई व्यक्ति अगर राजनीतिक दलों के साथ करता हो, उनकी टिप्पणियों को बहुत ज़्यादा न देश गंभीरता से ले रहा है और न हम लोग ले रहे हैं। पहली बार मैं आपके नतीजों को लेकर, कोई जो सर्वे के जो रुझान हैं उस पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, लंबे समय से आप सर्वे दिखा रहे हैं, इन सर्वे से एक वातावरण का आपको अंदाजा लग रहा है कि नहीं, कि हर सवाल पर पक्ष और विरोध में लगभग बराबरी के जो संकेत हैं कि देश पूरी तरह से विभाजित है, एक तरफ एक प्रचंड जनादेश, एक विराट व्यक्तित्व, और उसके बाद असफलताओं को काफी खूबसूरत चांदी के वर्क में लपेट कर राष्ट्रवाद और तमाम चीजों के जरिए जो एक मुलम्मा चढ़ा करके जो बातें कही जाती थी, इसके बाद क्या है कि नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं, ये आधा देश मानने लगा। नीतीश कुमार जी अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं, जो कि वो उम्मीदवार नहीं है, इसको उन्होंने कई बार कहा और हमारी पार्टी ने भी कह दिया, अब इसके बाद भी उनके और नरेंद्र मोदी जी के बीच स्वीकार्यता को लेकर के कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं दिख रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के बीच एक मिनट सुनिए, मेरी कोई बात बहुत बड़ा फासला नहीं दिख रहा है, लेकिन विपक्ष के वो साझा उम्मीदवार जब हो जाएंगे तभी आप इस बात पर बात आ पाए अखिलेश जी। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए। हाँ बोलिए। नहीं, तो आपने सवाल हम क्यों रखा है, मैं तो समझ नहीं पा रहा,
आपका सवाल है क्या विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे, और आपको वो जवाब नहीं चाहिए? नहीं नहीं, जवाब दीजिए ना। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या जानना चाहते हैं। आप जवाब दीजिए ना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं दरअसल सर्वे पे एक सवाल और पूछना चाह रहा था आपसे, जो मदरसे वाला हमारा सर्वे है। नहीं अखिलेश जी, इतने आप अगर धैर्य के साथ लोगों की बात आज नहीं सुनने के मूड में, मैं नहीं जानता। ठीक है राजीव जी, आपको पूरा मौका देंगे, और जिस तरीके से देश का मूड क्या है ये बताने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं। हमारे सर्वे में पूछे गए सवालों का जवाब आखिर जनता ने क्या दिया है, कई अहम सवालों का जवाब भी आपने देखा कि कितने प्रतिशत लोग क्या सोचते हैं। अब अगला सवाल क्या है अखिलेश जी? बिल्कुल श्रीन, देश का मूड क्या है ये समझने के लिए हमने दरअसल कई सवाल पूछे हैं। उसी सवाल की अगली जो कड़ी है, उसमें जो सवाल पूछा गया लोगों से और उस पर लोगों की क्या राय थी, अब हम बताने जा रहे हैं। देखिए सवाल आपके सामने, क्या यूपी की तरह देश भर के मदरसों का भी सर्वे होना चाहिए? 75% लोग इसमें हाँ कह रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक, जबकि नहीं कहने वाले 25% लोग हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए क्या यूपी की तरह ही सर्वे पूरे देश भर में हो, 75% लोग हाँ में जवाब देते हैं। एक और सवाल हमने पूछा कि क्या मदरसों का सर्वे 2024 में बीजेपी को फायदा देगा? हाँ कहने वाले 60% लोग हैं, यानी इसके राजनीतिक मायने मतलब हैं। इसे आप समझिए पूरी तरीके से, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उन आरोपों में दम भी कहीं ना कहीं नजर आता है। लेकिन राजीव रंजन जी, आपके पास इस सवाल के साथ में आना चाह रहा हूं, जब ये सवाल पूछा गया लोगों से कि क्या देश भर में यूपी की तरह सर्वे हो, तो 75% लोग कहते हैं कि हाँ सर्वे हो, तो क्या बिहार में भी इस तरीके का कोई सर्वे करवाएंगे आप लोग? मैं आपके सर्वे के फॉर्मेट से हैरान हूं। आपके पूरे फॉर्मेट में नौकरियों पर वादा खिलाफी के खिलाफ कोई बातचीत नहीं की गई है। देश में जिस तरह से धार्मिक विद्वेष पैदा करने की कोशिशें हैं, उस पर आपके कोई सवाल नहीं है। मैं आपको बस इस सवाल पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप जितने हथकंडे भारतीय जनता पार्टी और जफर इस्लाम जी की पार्टी अपना ले, 2024 में नरेंद्र मोदी जी की वापसी कतई संभव नहीं है। और आपके सर्वे के भी कुछ नतीजे, जिनको फॉर्मेट पर आपत्ति दर्ज करने के बाद भी मैं मानता हूं कि देश में उम्मीदों का संचार हो रहा है, जब राजीव गांधी जी की यात्रा को लेकर के भी देश का एक बड़ा वर्ग समर्थन में है, राहुल गांधी, जब नीतीश कुमार जी की कोशिशों को देश के तरफ से समर्थन है, जब अरविंद केजरीवाल जी को देश में एक बड़ा हिस्सा समर्थन दे रहा है, तो ये गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। इसका मुकाबला 28 दलों के मोर्चा से, ये गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप जिसे आप कह रहे हैं राजीव जी, इसे ही भानुमति का कुनबा भी तो कह दिया जाता है। लेकिन मदरसे वाले सवाल का भी तो जवाब दीजिए, क्या मदरसे का सर्वे जो हो रहा है, क्या बिहार में भी कोई ऐसा सर्वे करवाने के पक्ष में आप लोग हैं या इसको खारिज करते हैं? या अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, इसके पहले अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी कहे डंके के चोट पर कि क्या कभी भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ी है? हर बार उन्होंने कोई ना कोई मोर्चा बनाया, मोर्चा के दोष घटते चले गए। अब ये अलग बात है कि आपकी बेईमानी, उनके पास स्पष्ट बहुमत तो है ना, छोड़िए उस बात को, मैं नहीं कह रहा हूं। आप मदरसों के सर्वे पर बोलने को क्यों नहीं तैयार हैं? बोलिए कि मैं नहीं बोलूंगा उस पर। मैं तो तैयार हूं, चूंकि उस पर अखिलेश जी ने कहा है, और मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि आपकी नीयत क्या है। आपकी नीयत अगर लोगों को केवल बांटने की, ठीक है ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ जाना चाहेंगे, अब हम अगले सवाल की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन जफर इस्लाम जी अगर बिल्कुल छोटे में इसका जवाब देना चाहें, आपकी नीयत पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के नेता का कहना कि मदरसे का सर्वे हो या इस तरीके की कोई भी बात हो, यह लोगों को बांटने की कोशिश है ताकि आप वोटों की फसल काट सके इसके जरिए। देखिए क्या है, ये सब पार्टियां जो है मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं एक अंधकार में रखना चाहती हैं। हम मुस्लिम समाज के बच्चे जो सर्वे है, सर्वे में जो गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है उसको पता चलेगा, जो अवैध तरीके से जो है मदरसे हैं उसका भी पता चलेगा। हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, मॉडर्न एजुकेशन देना चाहते हैं, धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ और मेन स्ट्रीम में लेके आना चाहते हैं, ताकि वो देश में कंट्रीब्यूट कर पाए, खाली वोट बैंक बन के नहीं रह पाए इन लोग के। अब मुस्लिम समाज समझ, क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।